फ्रेंड्स, देखिए बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड जी हैं वो भी ऑफिस जा चुके हैं, तो घर की हालत देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तो घर की हालत ऐसी हो जाती है कि आप देख नहीं सकते हैं, कहीं सामान कहीं पड़ा हुआ है। और ये सब जो है सामान, ये हम हाउस वाइफ को ही समेटना होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जाने कब से घर में सफाई नहीं हुई है। और अब मैं नाश्ता करूंगी। फ्रेंड्स, किचन की हालत भी आप देख सकते हैं, ये देखिए रोटी है वो पटे पे पड़ी हुई है, और किचन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और हम लोगों को ही ये सब बिल्कुल सही सेट करना होता है। और अब मैं सब कुछ सेट करूँगी। सबसे पहले तो अब मैं, सब जा चुके हैं तो अब मैं चाय आए पीऊँगी, तो अब चलिए चाय बनाते हैं। सुबह के फ्रेंड्स 9:30 बज रहे हैं और अब मैं नाश्ता करूंगी, तो नाश्ते के लिए अब मैं किचन में जाती हूँ और चाय बनाऊंगी। तो अब मैं गैस को ऑन करूंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ये किचन साफ़ करूंगी। किचन पे देखिए, किचन में कितनी गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अभी खाना भी बनाया, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाया, तो ये किचन की ये हालत है और गैस की भी ये हालत है। अब मैं ये सब साफ़ करूँगी, पहले मैं चाय पीऊँगी। तो इसके लिए पहले मैंने आधा कप पानी रख दिया है चाय में, चाय बनाने के लिए पैन में। और अब मैं इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालती हूँ और दो चम्मच चीनी। चीनी फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है, ज़्यादा फीका नहीं पसंद है, तो मैं 2 चम्मच चीनी यहाँ पर डालूँगी। मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है और अब मैं इसमें अदरक, और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अदरक को कूट लिया है और इलायची अभी नहीं कूटी है, तो मैं इलायची को भी कूटूँगी। तो देखिए अदरक और इलायची कूट गई है अच्छे से। अब मैं इसमें चाय में ऐड कर दूंगी। देखिए चाय में अच्छे से उबाल आने लगा है, मैंने अदरक और इलायची डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। मुझे कम अदरक वाली और बगैर इलायची की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी बहाने मैंने आपको चाय बनाकर दिखाई कि कैसे बनती है एक टेस्टी और बढ़िया चाय। तो आप इस तरीके से चाय बनाइए फ्रेंड्स। मैं काफ़ी कुछ बना लेती हूँ। मेरा जो दूसरा चैनल है फ्रेंड्स, उसका नाम टेस्ट विद सविता है, और मैं उस पर काफ़ी रेसिपी डालती हूँ। उस चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरा फर्स्ट चैनल है और ये सेकंड चैनल है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो मैंने इसीलिए ये चैनल खोला हुआ है फ्रेंड्स। तो अब मैं चाय नाश्ता करूँगी, और फ्रेंड्स आपको मेरे साथ नाश्ता करना है तो इसके लिए तो आपको मेरे घर आना होगा। और अगर आपको अच्छा टेस्टी खाना खाना है तो आपको इसके लिए आपको मेरे चैनल्स पे जाना होगा, मेरे वीडियोस को देखना होगा। तो चलिए अब चाय में अच्छे से उबाल आ जाए, फिर हम नाश्ता करते हैं। फ्रेंड्स, चाय जो है वो मेरी बन गई है और मैं साथ में लाई हूँ कचौड़ी, जो सभी की अधिकतर फेवरेट होती हैं। आलू की कचौड़ी बच्चों को काफ़ी पसंद होती हैं, और ये ही मैंने नाश्ता अपने बच्चों के टिफ़िन में भी बनाया है, रख दिया था बना के लंच बॉक्स में, ताकि बच्चे आराम से खा लेंगे और हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। क्योंकि मेरा जो बेटा है वो हरी सब्जियां नहीं खाता है, मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो भी नहीं वो खाता है। वो ये कचौड़ी, आलू के पराठे, ये सब ज़्यादा उसे पसंद हैं, तो मैं अधिकतर कचौड़ी उसको रख देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि बच्चों को जो पसंद हो वो खिलाना चाहिए, तो मैं वही करती हूँ। और मैं अपने लिए नाश्ता लेके आई हूँ और मैंने टीवी को ऑन कर दिया है। अब मैं टीवी देखूँगी और नाश्ता करूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आगे का वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप जाइएगा कहीं नहीं, मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज रहे हैं और घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी है और किचन भी साफ़ हो गया है।
तो आप देख सकते हैं बिस्तर भी सेट हो गया है और गला काफ़ी ख़राब है फ्रेंड्स मेरा। तो ये देखिए धूप काफ़ी तेज है, बाहर बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं होता है कि कैसे बाहर जाऊं, इतनी तेज़ धूप है आप सोच नहीं सकते हैं। ये देखिए बहुत तेज़ धूप है, आप देख सकते हैं बेचारे पौधों का भी क्या हाल है धूप में, और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं इतनी धूप में निकलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाया कि वहाँ पे कितनी तेज़ धूप है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। ये देखिए किचन भी मेरा सेट हो गया है, आपने सुबह देखा था किचन कितना गंदा था कि आप देख नहीं सकते हैं, सुबह के टाइम पे इतना सामान फैल जाता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से मैं काम की शुरुआत करूँ, और आप सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं कहाँ से काम की शुरुआत करूँ, इतनी गंदगी और इतना मतलब सामान फैल जाता है सुबह के टाइम पे, मुझे समझ में ही नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स हिम्मत के आगे जीत है, तो हिम्मत करके ये सब काम करना ही होता है। तो मैं अब फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैं आपको कल के ब्लॉग में मिलूंगी। सो फ्रेंड्स बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स लिख के भेजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।